पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम से रिलेटेड एक नया नियम आया है। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में वो नया नियम क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। सरकार द्वारा जारी 9 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। अभी 1 महीने के अंदर खाता खोलना अनिवार्य था। साथ ही परिपक्वता की तारीख या विस्तृत परिपक्वता की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि आप इस स्कीम में 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में आज ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपये ही निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में ग्राहक को टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। इस स्कीम में आप 60 साल के बाद सिंगल या फिर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको केवल 5 साल के लिए निवेश करना होता है। अगर कोई अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कर देते हैं तो उसे पेनल्टी का भुगतान करना होगा। आप अपने आसपास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जब भी इस स्कीम के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपकी उम्र 55 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस स्कीम में आपको बैंक सीनियर सिटीजन एफडी की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलता है। देश के कई बैंक सीनियर सिटीजन एफडी पर 7% से 7.5% के बीच का इंटरेस्ट देते हैं। वहीं इस स्कीम में ग्राहक को 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। आशा करते हैं जानकारी फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।